नमस्कार, मैं दीक्षा सिंह बोल्ड स्काई में आपका स्वागत है। पूरी दुनिया में तेजी से बढ़ते मामलों के बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा कि इस बीमारी को प्रसार पर रोक लगाने के लिए भारत को अपनी आक्रामक कार्रवाई जारी रखनी चाहिए। भारत में इस बीमारी के 499 मामले अब तक सामने आ चुके हैं और इसके प्रसार को रोकने के लिए 548 जिलों में लॉकडाउन घोषित कर दिया गया है। इस बीमारी के प्रसार को रोकने के लिए भारत की ओर से उठाए गए कदम पर विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी निदेशक माइकल जे रयान ने कहा कि भारत चीन जैसा बेहद घनी आबादी वाला देश है और इस घनी आबादी वाले देशों में जो कुछ होता है उससे ज्यादा हद तक इस वायरस का भविष्य निर्धारित होगा। उन्होंने आगे कहा कि यह वास्तव में बेहद महत्वपूर्ण है कि भारत सार्वजनिक स्वास्थ्य स्तर पर अपनी आक्रामक कार्रवाई जारी रखे। माइकल जे रयान ने कहा कि भारत ने साइलेंट किलर कही जाने वाली दो गंभीर बीमारियों स्मॉल पॉक्स और पोलियो के उन्मूलन में दुनिया की अगुवाई की। सभी देशों में भी जबरदस्त क्षमता है कि वे अपने समुदायों और नागरिक समाजों को एकत्र करें। बता दें कि इस बीमारी से पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। अब तक इस बीमारी के चलते दुनिया भर में 16,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं 3.6 लाख से ज्यादा लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।